कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ की धार्मिक यात्रा से मौनी बाबा का एक मंत्र लेकर लौटे हैं। ये मंत्र है, डरो मत भय मन का वहम है। केदारनाथ से लौटने के एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया है। इस वीडियो में राहुल रात के समय केदारपुरी में मौनी बाबा की कुटिया में बैठे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं। इन सवालों के उत्तर बाबा लिख कर दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने केदारनाथ में मौनी बाबा से डरो मत का रहस्य और उनकी वर्षों की तपस्या को नजदीक से जाना। इस छोटे से वीडियो में राहुल कुटिया में मौनी बाबा से संवाद करने के अलावा वहाँ भोजन करते हुए भी दिख रहे हैं। बाबा से राहुल पूछ रहे हैं, आपने 11 साल मौन क्यों रखा। मौनी बाबा ने उनके सवाल का जवाब लिख कर दिया। बाबा ने सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ये तो केदार बाबा ही जाने। वहीं राहुल ने दूसरा सवाल किया कि 11 साल ना बोलने के बाद आप में क्या बदलाव दिखा। जवाब में मौनी बाबा ने लिखा, सब केदार बाबा की मर्जी है, आप मेरे पास नहीं आए, केदार बाबा आपको यहाँ लेकर आए हैं। अब राहुल कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। बाबा राहुल को इशारा करते हैं, आप कुछ खाओगे। राहुल भी इशारों में जवाब देते हैं थोड़ा सा। फिर वीडियो में एक बाबा दिखाई दे रहे हैं जो कुटिया में तवे पर मोटी मोटी रोटी सेक रहे हैं। राहुल ये रोटी खाते हुए दिखते हैं। राहुल अपने फोन पर मौनी बाबा को प्रियंका की तस्वीर दिखाते हैं। वे उनसे कहते हैं, ये देखिए, ये मेरी बहन है। बाबा राहुल की पीठ पर जोर जोर से हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राहुल उनसे पूछते हैं, भय को कैसे देखते हैं। मौनी बाबा लिखकर जवाब देते हैं, भय मन का वहम है। कुटिया में एक और बाबा कह रहे हैं, इंसान शांत रहे तो अहंकार अपने आप मर जाता है। वीडियो में राहुल की आदि शंकराचार्य की पूजा करने की, भंडारे में लोगों को खाना परोसने की, दर्शन करके केदारनाथ मंदिर से बाहर निकलते समय की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वीडियो के अंत में फिर राहुल मौनी बाबा के करीब बैठे हुए नजर आ रहे हैं और राहुल उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी जाप करते हो। बाबा लिखकर जवाब देते हैं, केदारनाथ की कृपा से मन में जाप करता हूँ। इसके बाद बाबा डमरू बजाने लगते हैं। करीब 5.25 मिनट की इस वीडियो में राहुल गांधी की पूरी यात्रा के चित्र शब्दों के साथ सामने आ गए हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे समय डिजिटल।